थाना क्षेत्र के बेगमगंज सिकराम टोला में एक लड़का अवैध लॉटरी का टिकट बिक्री करने वाला है। इसी सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी राधानगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के पदाधिकारी और कर्मी के द्वारा एक आदमी को रंगे हाथ पकड़ा गया जिसका नाम इंद्रजीत कुमार मंडल है और उसके पास से लगभग अनुमानित मूल्य 1,28,500 का अवैध लॉटरी पाया गया और थाना प्रभारी के लिखित आवेदन के आधार पर राधानगर थाना कांड संख्या 70/23 IPC और लॉटरी रेगुलेशन एक्ट के संबंध में धाराओं का अधीन कांड दर्ज किया गया और उन्हें विधिवत गिरफ्तार की गई जिसे माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और उनके पास से जो बरामद हुआ है लिस्ट सामने है। एक मोबाइल और नागालैंड स्टेट लॉटरी के विभिन्न कंपनियों का लॉटरी टिकट बरामद किया गया है और इसमें जो भी संलिप्त है उन लोग को चिन्हित किया जा रहा है और वे जल्द से जल्द विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।